फ्रंट ऑफ इंडिया के कई नेताओं को राष्ट्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। पीएफआई के समर्थकों ने 23 सितंबर को छापेमारी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच मीडिया आउटलेट्स और भाजपा नेताओं ने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि पुणे में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ट्वीट करते हुए दावा किया कि पुणे में छापेमारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ANI ने एक और ट्वीट में ये भी लिखा कि ऑडियो में ये बात स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन वहां के पत्रकारों ने वीडियो की पुष्टि की है। ANI के इंद्रजीत चौबे ने सबसे पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का दावा किया था। ये दावा बतौर खबर चलाने वाले मीडिया संगठनों में टाइम्स नाउ, NDTV, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण इंग्लिश, जी हिंदुस्तान, ABP न्यूज, TV9 मराठी, इंडिया TV हिंदी, वन इंडिया न्यूज, Z24 तास, लोक सत्ता लाइव और भाजपा समर्थक प्रोपेगेंडा आउटलेट ऑफ इंडिया शामिल है। वहीं DD न्यूज के अशोक श्रीवास्तव ने भी ऐसा ही दावा किया। ऐसे में पीछे न रहते हुए कई भाजपा नेताओं और समर्थकों ने भी ये दावा शेयर किया। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने छानबीन करते हुए पाया कि मीडिया आउटलेट्स द्वारा किया गया ये दावा गलत है। ऑल्ट न्यूज ने घटना स्थल पर मौजूद कुछ पत्रकारों से संपर्क किया। उन्होंने हमें मौका वारदात के कुछ वीडियोस भेजे। स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो में 17 सेकंड के बाद पुलिस की ये गाड़ी दूर जा रही है। ध्यान दें कि वायरल वीडियो में 3 सेकंड के बाद कथित रूप से नारे लगाए गए थे। इसके अलावा पुलिस वैन का ये फुटेज पत्रकार वर्षा तोरगलकर और फेसबुक पेज पुलिस नामा के वीडियोस में भी दिखता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने वायरल वीडियो के ऑडियो और बाकी वीडियो के ऑडियो को कंपेयर किया। पुलिस नामा की इस लाइव कवरेज में दिख रहा है कि पुलिस वैन में प्रदर्शनकारियों को धकेला जा रहा है। इस लाइव वीडियो में वायरल वीडियो का ये संबंधित हिस्सा भी है, जिसमें पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने लाइव फुटेज और वायरल वीडियो को साथ में रखकर भी देखा, जिससे साफ हो गया कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए थे। घटनास्थल के कुछ वीडियोस में भी पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद का नारा सुनाई दे रहा है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के दावे को झूठा बताया। स्थानीय चैनल दिव्या मराठी ने भी पुलिस सोर्स का हवाला देते हुए कथित दावे का खंडन किया है। इस तहकीकात के बाद ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेक में इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे। हालांकि हमारी छानबीन पर सवालिया निशान लगाते हुए मराठी चैनल साम टीवी ने इस वीडियो रिपोर्ट में दावा किया कि वहां असल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। साम टीवी चैनल के कार्यकारी संपादक प्रसन्ना जोशी ने ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक से असहमत होते हुए यही दावा किया और सबूत के तौर पर ये वीडियो दिखाया। ही आमची बातमी आहे, दिलेली बातमीच खरी आहे आणि याचा पुरावा साम टीव्ही कडे आहे। खोटी बातमी देऊन ऑल्ट न्यूज ही लोकांची दिशाभूल का करतय आणि ऑल्ट न्यूज नेमका कुणाचा अजेंडा राबवतय, हा प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होतोय। फुटेज और भी कई प्रमुख व्यक्तियों ने शेयर की। चैनल द्वारा चलाई गई ये फुटेज अलग एंगल से ली गई है, बाकी वीडियो से अलग ये क्लोजअप फुटेज है। ऐसे किसी दावे की जांच करते वक्त ऑल्ट न्यूज सबसे पहले ऑडियो और वीडियो की प्लेबैक स्पीड कम करता है। स्क्रीन पर चल रही फुटेज को ऑल्ट न्यूज ने स्लो मोशन में चलाया है। सगळे व्हिडिओ सामने वरती आपण बघतोय।
फुटेज में पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद शब्द साफ तौर पर सुना जा सकता है। हालांकि साम टीवी की टीम ने ये प्राथमिक जांच नहीं की। व्यूअर्स ध्यान दें कि अक्सर नारेबाजी करते वक्त कई कारणों की वजह से शब्दों के उच्चारण में दिक्कत महसूस होती है और ये एक आम बात है। पुणे में पीएफआई के विरोध प्रदर्शन में कई बार पॉपुलर को पॉपुलर उच्चारित किया गया है। आगे जांच के लिए ऑल्ट न्यूज ने साम टीवी से फुटेज मांगी। पहले के फैक्ट चेक के जैसे ही इस फुटेज में भी पुलिस की गाड़ी के दूर जाने की घटना को हमने रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज किया। वायरल वीडियो और साम टीवी के फुटेज को कंपेयर करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये दोनों वीडियोस एक ही मौके के हैं। दोनों की टाइमलाइन भी एक ही है। आगे ऑल्ट न्यूज ने साम टीवी के रो फुटेज के संबंधित हिस्से को क्रॉप कर स्लो मोशन में चलाया है। चैनल के फुटेज में ये गुलाबी शर्ट पहना आदमी नारे लगा रहा है और इसे ही चैनल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बताया था। इसी फुटेज को 4x स्लो मोशन में चलाने पर साफ दिख रहा है कि यह शख्स 3 बार जल्दी से मुंह बंद करता है। ध्यान दें कि यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद नहीं बोल रहा। इसके अलावा इस व्यक्ति द्वारा 3 बार मुंह बंद करने की बात नोट कर ले, क्योंकि हम आपको पाकिस्तान और पॉपुलर फ्रंट शब्द के उच्चारण के बारे में बताएंगे। गूगल सर्च के इस्तेमाल से हमने पाकिस्तान शब्द का उच्चारण देखा। पाकिस्तान, यहाँ आपने देखा कि पाकिस्तान शब्द में सिर्फ प के उच्चारण के वक्त मुंह बंद करना पड़ता है, लेकिन बाकी के व्यंजन को उच्चारित करते वक्त मुंह बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही हमने गूगल पर पॉपुलर फ्रंट शब्द का उच्चारण देखा। पॉपुलर फ्रंट, यहाँ आपने देखा कि पॉपुलर फ्रंट बोलने के लिए 3 बार मुंह बंद करना पड़ता है, क्योंकि इसमें 2 बार प और 1 बार फ व्यंजन शामिल है। गौर करें कि ये तीनों ओष्ठीय व्यंजन हैं और इसे बोलने के लिए हमें होठ बंद करने पड़ते हैं। एक और बार हम आपको इन दोनों शब्दों के उच्चारण की कंपैरिजन स्लो मोशन में दिखाते हैं। पाकिस्तान, पॉपुलर फ्रंट, यहाँ आपने देखा कि पाकिस्तान बोलने पर 1 बार मुंह बंद करना होता है, जबकि पॉपुलर फ्रंट बोलने के लिए 3 बार होठ बंद करने पड़ते हैं। यानी गुलाबी रंग की शर्ट पहना ये शख्स पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, न कि पाकिस्तान जिंदाबाद के। ऑल्ट न्यूज ने अन्य चैनल्स और भाजपा नेताओं द्वारा शेयर किए गए वीडियो की जांच कर कथित नारेबाजी के दावों को खारिज किया, लेकिन हमारी जांच को झूठा बताते हुए साम टीवी ने एक अलग क्लिप चलाई और कहा कि ऑल्ट न्यूज ने सारी फुटेज देखे बगैर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के दावों को झुठला दिया। हालांकि साम टीवी ने खुद ही फुटेज को स्लो मोशन में चलाकर गौर से देखा होता तो उन्हें पता चलता कि असल में ये लोग पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पहले भी कई बार ऑल्ट न्यूज ऐसे दावों की असलियत सामने ला चुका है, लेकिन मीडिया संगठन तो मानो वायरल वीडियो को बिना वेरीफाई किए और अपने स्थानीय सूत्रों से पुष्टि करवाए बगैर ही सोशल मीडिया पर शेयर किए गए दावों को खबर बताकर चला देता है।